हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 की साइंस की वर्कशीट नंबर 11 कर रहे हैं। यह 24 अगस्त के लिए आई है। इसमें हम प्राणियों में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है अमाशय व दस्त। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट हम एक रोचक कहानी से शुरू करेंगे। एक रोचक कहानी अमाशय की। सन 1822 ईस्वी में अलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हो गया। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया और अमाशय में एक छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह अमाशय का छिद्र भली भांति ना बंद कर सका। उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ब्यूमॉन्ट ने देखा कि अमाशय की भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि अमाशय शुद्रांत में तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पूरा पाचन हो जाता है। एक मार्टिन नामक व्यक्ति था, उसको गोली लग गई थी जिसके कारण उसके अमाशय के पास में एक गहरा घाव हो गया था। उसे एक चिकित्सक के पास ले जाया गया। ब्यूमेंट नाम का चिकित्सक था। उसने इसका इलाज तो किया, लेकिन यहाँ पर लगी हुई चोट को वह भर ना पाया। इसे बांधे रखा और उसने देखा कि अमाशय के अंदर से कुछ स्त्राव निकल रहा है, यानी कोई पदार्थ निकल रहा है, और वह पदार्थ भोजन का पाचन कर रहा है, भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा है। कुछ समय पश्चात उसने यह भी देखा कि जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो गया, उसी के बाद यह अमाशय खुला और शुद्रांत के अंदर यह भोजन पहुंच पाया। दस्त। जब व्यक्ति को कभी कभी जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है, उसे दस्त कहते हैं। यह संक्रमण दूषित खाना खाने से अथवा अपच के कारण होता है। चरम अवस्था में यह घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना है। बच्चों, जब हमारा पेट खराब हो जाता है तो उस कंडीशन में दस्त भी लग जाते हैं। दस्त लगने के कारण व्यक्ति को बार बार मल निष्कासन करना पड़ता है। यह क्यों होता है? जब हम भोजन खाते हैं, वह अगर दूषित हो, अगर वह संक्रमित हो, उसमें कोई सूक्ष्म जीव पनप रहे हो, या हमारे पेट में पाचन ठीक से ना हो रहा हो, तो दस्त हो जाते हैं। बहुत ज्यादा दस्त होने से यह हमारे शरीर के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि शरीर में जल व लवण की कमी हो जाती है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडा किए हुए जल में एक चुटकी नमक और चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। अगर दस्त हो जाती हैं तो ऐसे में चिकित्सक को दिखाना बहुत जरूरी होता है, और डॉक्टर के पास ले जाने से पहले रोगी को उबला हुआ ठंडा पानी देना से उसके शरीर में से जो जल और लवण की कमी हो गई है उसकी पूर्ति हो जाती है। इस प्रकार के घोल को जीवन रक्षक घोल अथवा ORS कहते हैं। नोट: जल रूपी मल के निष्कासन से किसी व्यक्ति के शरीर में होने वाले पानी की कमी को निर्जलीकरण कहा जाता है। निर्जलीकरण का मतलब है कि किसी व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी हो जाना। इसको इंग्लिश में डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। ORS का अन्य नाम क्या है, लिखिए। ORS का अन्य नाम है जीवन रक्षक घोल। दस्त संक्रमण कैसे होता है? यह संक्रमण दूषित खाना खाने से अथवा अपच के कारण होता है। अमाशय की कार्यप्रणाली की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। अमाशय की खोज प्रणाली एक विलियम ब्यूमेंट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक द्वारा की गई। बच्चों, आज की वर्कशीट में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।